चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नए पेड़ पौधों की वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं आपके लिए एक खुशबूदार फूलों वाला पेड़ जिसको आपने बाग बगीचों में जरूर देखा होगा। दोस्तों, आज जो आप यह पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ का नाम चंपा और गुलचिन है, जिसे अंग्रेजी में सिंगापुर ग्रेवयार्ड फ्लावर या व्हाइट रंगी पानी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम प्लूमेरिया ओबटूसा है, जो कि एपोसिनेसी या ओलियंडर परिवार का पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में गुलचिन, चंपा, कनाडा में देवा, कानागेल, मणिपुर में खगी, लिहाओ और नेपाल में चुबा आदि नाम से इस फूलों वाले पेड़ को जाना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर यह पौधा बाग बगीचों में एक सजावटी पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत से सुगंधित फूल निकलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां लंबी और गहरे हरे रंग की चमकदार और 8 से 10 इंच तक लंबी होती हैं, जो एक मोटे टहनी पर लगी हुई होती हैं, और यह पत्तियां एक विशिष्ट अंडाकार आकृति की होती हैं। और दोस्तों, यह पत्तियां शाखाओं के सिरे के पास गुच्छित में लगी होती हैं। दोस्तों, इस पौधे के फूल सफेद पीले रंग के होते हैं, जो एक साथ फूलों के गुच्छों में लगते हैं, जिनमें प्रत्येक पुष्प क्रम में छोटे पीले केंद्र होते हैं, और इन सभी फूलों में 5 पंखुड़ियां होती हैं, जो एक छोटी फनल के आकार की ट्यूब में आधार पर जुड़ी होती हैं, और जब पंखुड़ियां फैल जाती हैं तो ये धीरे धीरे चौड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, इस पौधे को इसके फूलों के लिए उगाया जाता है, और इसके फूलों का कई जगहों पर मंदिरों में चढ़ाने के लिए, हार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, चंपा का पौधा एक छोटे झाड़ी या पेड़ के रूप में विकसित होता है, जिसकी लंबाई 26 फीट तक होती है, और इसमें व्यापक रूप से मोटी रसीली शाखाएं फैली हुई होती हैं, जो अक्सर घुंडी फुलाव से ढकी होती हैं। दोस्तों, दुनिया भर में इस पौधे को सजावटी और सुगंधित फूलों के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। दोस्तों, यह एक जड़ी बूटी औषधि वाला पौधा भी है, जिसकी छाल पत्तियां और फूलों से अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवा बनाकर उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अलग अलग तरह की पत्तियां और फूल लगते हैं। दोस्तों, आप भी इस पौधे के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और पेड़ पौधों से संबंधित नई नई जानकारी पाने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।